आईटीआई टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग मेजरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट के कौन कौन से सिस्टम हैं और उन सिस्टम में कौन कौन से यूनिट्स हैं, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि मेजरमेंट टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बिना आप टेक्निकल फील्ड की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मेजरमेंट। मेजरमेंट अगर कहेंगे तो नॉर्मली हम लोग शाब्दिक अर्थ में समझते हैं किसी चीज को मापना, उसके लंबाई को मापना, चौड़ाई को मापना या उसके वजन को मापना, उसके एंगल को मापना, एग्जैक्टली वही कार्य करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग मेजरिंग सिस्टम की चर्चा करेंगे, जो स्थापित मेजरिंग सिस्टम है उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि माप में हम लोग किसी न किसी स्थापित मेजरिंग सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करते हैं या उसके गुणनफल में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए मेजरिंग सिस्टम जानना आपके लिए आवश्यक है। फर्स्ट जो सिस्टम है, टाइप्स ऑफ सिस्टम हम लोग समझेंगे, टाइप्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम। मेजरिंग सिस्टम फर्स्ट हो गया FPS सिस्टम, सेकंड हो गया CGS सिस्टम और तीसरा हो गया MKS सिस्टम। तो FPS सिस्टम क्या होता है? FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड। फुट अर्थात अगर किसी चीज की लंबाई का माप करेंगे तो फुट में माप करेंगे। हम लोग जानते हैं 12 इंच बराबर एक फुट। तो अगर इस सिस्टम के अंदर अगर माप किया जाएगा तो आपको लेंथ की माप अगर करना हो तो आप याद रखेंगे 12 इंच, इंच का सिंबल इस तरह का होता है, इक्वल टू 1 फुट। ठीक है, लिख भी सकते हैं 12 इंच बराबर एक फुट। इसी में अगर तीन फुट बराबर एक गज बोला जाता है, एक गज 1760 गज बराबर एक मील। ये लंबाई का हम लोग जाने, लंबाई के बारे में, लंबाई ब्रिटिश सिस्टम, एफपीएस सिस्टम को फॉर्मली नोन एज ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश, याद रखिएगा। ब्रिटिश सिस्टम में अगर मेजरमेंट करना होगा, नॉर्मली हम लोग गांव वगैरह में कोई काम करवाते हैं तो सूत की चर्चा होती है, 3 सूत का नट है, 2 सूत का नट है, या स्पैनर लाना हो 4 सूत का लेके आओ। तो सूत क्या होता है, तो सूत को हम लोग समझेंगे। अगर इसके इंच से नीचे की तरफ जाते हैं तो एक इंच बराबर होता है, 8 सूत, 8 सूत होता है, 8 सूत को अगर मिलाएंगे तो 1 इंच होता है, 8 चूल बराबर 1 सूत होता है, 1 सूत। ये भी याद रखिएगा, अगर छोटे की तरफ जाएंगे तो 8 चूल, चूल से शुरू होता है, 8 चूल में 1 सूत होगा और 1 इंच में 8 सूत, या यहां कह सकते हो 8 सूत बराबर, इसको छोड़ देते हैं, अलग से लिख देते हैं हम लोग, 8 सूत बराबर 1 इंच, यानी कि 1 इंच के अंदर अगर चूल की संख्या होगा तो 8 × 8 बराबर 64 चूल बराबर 1 इंच होता है, और 1/8 इंच बराबर 1 सूत होता है। ये भी कह सकते हैं अगर 1 इंच को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 सूत प्राप्त होगा।
ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा पुराना वाला सिस्टम है, प्राचीन सिस्टम है। अगर आपको कहा जाए इस सिस्टम के अंदर आज भी मेजरमेंट हो रहे हैं हम लोग, चूंकि इंडिया ब्रिटेन का उपनिवेश था, जिसके कारण पुराना जो सिस्टम है ये सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे नट बोल्ट मशीनरीज में स्पेसिफिकेशन है, वो इस तरह का आता है। इसलिए आपको यह जानना आवश्यक है। बहुत सारे मेजरिंग टूल्स जैसे माइक्रोमीटर हैं, तो ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत आएंगे, उसमें इंच में रहेंगे, तो वो भी पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए। तो ये चीजें आप याद रखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसी तरह अगर वजन की माप करते हैं तो वजन का पाउंड पाउंड में माप किया जाता था, ड्राम में माप किया जाता था, 16 ड्राम औंस में माप किया जाता था। क्योंकि वजन से हम लोग का टेक्निकल में ज्यादा संबंध नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। टाइम टाइम है जिसको सेकंड में ही मापते हैं ब्रिटिश सिस्टम और सीजे सिस्टम में। तो ऐसे मोटा मोटी अगर पाउंड की चर्चा करेंगे तो 2.2 पाउंड बराबर होता है 1 kg। आजकल केक वगैरह जो हम लोग मार्केट में खरीदने जाते हैं बर्थडे के समय में, तो पाउंड में आता है। वो पूछता है 2 पाउंड का, 4 पाउंड का, 10 पाउंड का, यानी कि आप ये मोटा मोटी कन्वर्सन, ये अगर इतना पाउंड रहेगा तो उसको 1 kg कहेंगे, ठीक है। 453 अगर ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 453 ग्राम्स होता है, ठीक है। अब हम लोग सीजीएस सिस्टम की चर्चा करते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में लंबाई को मापना होगा तो सेंटीमीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर मीटर, वजन को मापना होगा ग्राम और समय को मापना होगा सेकंड में मापते हैं। एमकेएस के अंतर्गत यानी कि सीजीएस के अंदर एमकेएस के सारे यूनिट निहित हैं ऑलरेडी। एमकेएस में मीटर मीटर किलोग्राम और सेकंड, अगर हम लोग इन दोनों को मिला देते हैं तो इसे हम लोग इसको मेट्रिक सिस्टम के नाम से जानते हैं, मेट्रिक सिस्टम और इंटरनेशनल मेजरिंग सिस्टम। इंटरनेशनल मेजरिंग सिस्टम इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अलग अलग देश के पास अलग अलग यूनिट होते थे। आप जानते हैं कि आज के टेक्नोलॉजी इतना इनहेंस कर गया है, बढ़ गया है कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो गया है, यानी कि एक ग्लोबल विलेज पूरा अब एक उपनिवेश बन गया है। प्रत्येक कंट्रीज का कुछ न कुछ सामान हम लोग कंज्यूम करते हैं और अपना सामान दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने के कारण उनका टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ और हमारा टेक्नोलॉजी उनके यहाँ ट्रांसफर होते रहता है, जिसके कारण आवश्यकता पड़े कि सारे देश एक ही मेजरिंग सिस्टम को अपनाएं, ताकि जो सामान बने, जो प्रोडक्ट बने, उसका वाइड एक्सेप्टेबिलिटी हो, यानी कि हर जगह उसका प्रयोग आसानी से किया जा सके, हर जगह उसका एक्सेप्टेंस आसानी से हो सके। तो ये दोनों जो सिस्टम हुआ उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मिलीमीटर मिलीमीटर 10 मिलीमीटर आप देखे होंगे, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को शॉर्ट में सीएम लिख देंगे। हम लोग पूर्व में भी पढ़े हैं 4th-5th में, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको याद रखना है ये 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर डीएम, 10 डेसीमीटर
मिली सेंटी डेसी मीटर, एक मीटर, एक मीटर 10 मीटर बराबर एक डेकामीटर, डेकामीटर 10 डेकामीटर एक हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर 10 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर। मुख्य रूप से आपको लंबाई के बारे में जानना है। अगर वजन के बारे में जानते हैं तो वजन के बारे में आप लोग जानते हो, सिर्फ क्या करना है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, यानी कि केजी, किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। उसी तरह से कोई लिक्विड है, लिक्विड की माप करते हैं तो हम लोग मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, इस हिसाब से करते हैं, ठीक है।